हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा माय नेम ने शिवांगी अग्रवाल सो स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोगों ने अपने डी फर्स्ट एम के लिए मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर चुके थे और आज से हम लोग अपने ये जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज तो जिसमें कि आपने सिलेबस में देखा होगा कि फर्स्ट चैप्टर जो आपको दिया हुआ था वो था नंबर्स जिसमें कि हम लोगों को समझना था कि आखिर नंबर्स होते क्या हैं उनके हमें रोमन नंबर्स के बारे में बात करना था और साथ ही साथ हमें बात करना था स्थानीय मान के बारे में तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सबसे पहले हमें ये समझना है इस चैप्टर में कि वॉट आर नंबर्स कि नंबर्स होते क्या हैं संख्याएँ है, होती क्या हैं कभी आराम से बैठ के खुद शांति से सोचिएगा कि आखिर नंबर्स है क्या क्या आप नंबर्स को कभी देख पाते हो बिल्कुल नहीं क्या आपको ऐसा लगा कहीं पे कि मैंने किसी चीज़ को देखा और यार ये तो वन है मैंने किसी चीज़ को देखा आ रही तो टू है नहीं ठीक है नंबर्स क्या हैं एक तरीके की जैसे कि आप लोगों ने जब लैंग्वेज को पढ़ना सीखा था जब आपने हिंदी इंग्लिश को सीखना शुरू किया था तो आपने इस तरीके से लेटर्स देखे ए ए इस तरीके से ठीक है तो ये क्या थी ये भी एक तरह की रिप्रेजेंटेशन थी जैसे कि हमें हिंदी या इंग्लिश को सीखने के लिए उनके अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ी ऐसे ही जब हमने मैथ्स को सीखना शुरू करा तो सबसे पहले हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ी जिनको हमने नाम दिया नंबर्स अब देखो ये जो नंबर हैं जैसे कि लैंग्वेज है तो हम किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते लैंग्वेज के बिना इसी तरीके से अगर हम इन नंबर्स को नहीं समझेंगे तो हम शायद मैथ्स की भी लैंग्वेज को या मैथामेटिकल ऑपरेशंस करने में असफल हो जाएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या सीखना था नंबर्स तो अब बात आती है कि किस तरह के नंबर सीखें भाई पूरे दुनिया में पूरे दुनिया के लोगों को हमें नंबर सिखाने हैं अब जैसे सबकी लैंग्वेज अलग है वैसे सबकी मैथमेटिकल लैंग्वेज भी अलग हो सकती है तो इसीलिए हमारे पास एक इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप करा गया जिसे आप देखते हो आज के टाइम में जो आप ये देखते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन टेन यही नंबर से हमारे जो बेसिक नंबर है इसके बाद तो जितनी भी हमारी काउंटिंग हमने देखी है तो वही फंडामेंटल नंबरों से बनी हुई है इसी तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हो इलेवन टर्टीन फोर्टीन करके तो ये जो हमारे पास सिस्टम था इसको हमने बोला अंतर राष्ट्रीय सिस्टम ठीक अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए टाइम के साथ तो और रिप्रेजेंटेशंस भी हमारे सामने आए जिसमें कि आज हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है वो हमें पढ़नी है रोमन नंबर्स के बारे में रोमन नंबर्स के बारे में वैसे तो आप सब लोगों ने रोमन नंबर्स पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में बट इनको रिवाइज करेंगे आज हम और हम देखेंगे इसके साथ ही साथ इसके कुछ रूल्स कि किस तरीके से हम रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं रोमन नंबर्स को लिखने के लिए तो जैसे कि अगर मैं वन की बात करूँ तो वन बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में लिखा जाता है लेकिन अब बात आती है टू की तो टू आपका लिखा जाता है दो डंडों से ठीक है मतलब वन प्लस वन क्या बन गया टू इसी तरीके से मुझे थ्री लिखना है तो वन 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 प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री ठीक अब देखो आपके माइंड में आ रहा कि फोर्थ को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ चार डंडे लगा दूँ तो ऐसे करते करते तो मेरे पास यहाँ पे टेन नह से डंडे आ जाएंगे फिर इलेवन तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है इसीलिए हम लोगों ने क्या करा कि अब हमने सोच लिया कि कोई भी जो सिंबल है कोई भी जो सिंबल हम यूज़ करेंगे उसे बस हम केवल मैक्सिमम तीन बार तक यूज़ कर सकते हैं मैं साथ ही साथ ये लिखते लिखते ही आपको यहाँ पे रूल्स भी बताती चलूंगी तो ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पे क्या करा हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए गए इस लैंग्वेज के लिए कि कोई भी सिंबल है तो वो तीन से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा एक ही नंबर के अंदर अब बात आती है फोर्थ की तो फोर्थ को हमने किस तरीके से लिखा वन और वी ठीक है ये हमने लिखा आई वी फिर हमने फाइव को किस तरीके से लिखा इसको हमने लिखा वी से फिर सिक्स को हमने कैसे लिखा वी आई से अब देखो वी क्या मान लिया मैंने इसको मैंने मान लिया वी ठीक है एक मैंने स्टैंडर्ड सिंबल मान लिया इसको बोलते हैं वी अब अगर मुझे फोर को दिखाना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा फोर तो मुझे इस वी में से भी माइनस करना पड़ेगा इस वी में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा एक माइनस कर दूँ अगर मैं इस वी में से तो मेरे पास फोर आ जाएगा अभी अभी मैंने आपको सिंबल बताया कि वन का सिंबल क्या होता है आई तो अगर मैं इस वी में से इस आई को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा फोर ठीक इसी तरीके से देखो अगर मुझे सिक्स लिखना था तो सिक्स लिखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स लिख सकती हूँ यानी कि अगर मैं वी में आई को प्लस कर दूँ तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरे पास सिक्स ठीक है अगर मैं वी में आई को प्लस कर दूं तो बन जाएगा सिक्स अब देखो यहां से एक खास बात जो आप लोगों को समझनी है जिसके लिए मैंने आपको ये चीज समझाई जब भी हम किसी सिंबल को माइनस करेंगे तो वो हमेशा लेफ्ट पे लिखा जाएगा और जब भी हम किस सिंबल को ऐड करेंगे तो वो हमेशा राइट में लिखा जाएगा कैसे देखो मैंने अभी आपको फोर्थ का रिप्रेजेंटेशन क्या बताया आई वी तो देखो मैंने कहा कि जब हम माइनस करेंगे उसको हम कहा लिखेंगे लेफ्ट में और जो बड़ा वाला सिंबल है उसको हम लिखेंगे राइट में लेकिन अगर हम किसी चीज में ऐड कर रहे हैं तो बड़ा वाला सिंबल पहले और छोटा वाला सिंबल बाद में तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड करके बनाया है तो छोटा सिंबल आगे आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस करके बनाया है तो छोटा सिंबल पहले आएगा ये चीज़ याद रखनी है ना केवल ये अभी आपको फोर्थ और सिक्स समझने में हेल्प करेगी बल्कि आगे की भी काउंटिंग समझने में आपको बहुत हेल्प करने वाली है अभी आप देखने वाले हो कैसे तो यहाँ तक हम पहुँचे अब देखो मुझे बनाना था सेवन सेवन में कैसे बना सकती हूँ फाइव प्लस टू फाइव का रिप्रेजेंटेशन वी टू का रिप्रेजेंटेशन ठीक है अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ सेवन ठीक तो देखो ये बन गया मेरे पास सेवन इसी तरीके से अब मुझे लिखना है एट को तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फाइव प्लस थ्री यानी कि एट यानी कि वी प्लस थ्री तो ये हो जाएगा एट ये हो गया एट आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी क्योंकि अब मैंने आपको एक चीज बताई कि मैं किसी भी सिंबल को तीन बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकती तो अब ये वाली जो चेन है ये यह यहीं पे रुक जाएगी ठीक है अब देखो ध्यान से टेन के बाद क्या आता है इलेवन ठीक है इसके बाद ट्वेल्व अब देखो टेन का सिंबल हम सबको पता है क्या होता है क्रॉस एक क्रॉस अब देखो ध्यान से अब मैंने नाइन को कैसे बना सकती हूँ टेन माइनस वन और इलेवन को कैसे बना सकती हूँ टेन प्लस वन अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि क्योंकि मुझे टेन में से एक को माइनस करना है तो मैं क्या करूँगी टेन के सिंबल में से एक को माइनस कर दूँगी कैसे इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस आई तो देखो ये क्या बन जाएगा आई एक्स इसी तरीके से मुझे यहाँ पे प्लस करना है तो एक्स प्लस आई तो ये बन जाएगा एक्स आई आई होप चीज़ें क्लियर है कि जब भी हम माइनस करेंगे तो छोटा सिंबल लेफ्ट हैंड साइड पे उल्टे हाथ पे लिखा जाएगा और जब भी हम किसी को ऐड करेंगे तो जो छोटा सिंबल है वो हमेशा राइट साइड पर तो यानी कि जो नाइन का सिंबल है क्या बन चुका है आई एक्स और इसका सिंबल एक्स आई अब देखो मुझे ट्वेल्व लिखना है तो ट्वेल्व लिखने के लिए क्या करेंगे टेन प्लस टू यानी कि x प्लस आई आई तो एक्स आई आई तो ये बन गया एक्स आई आई इसी तरीके से थर्टीन तो ये बन गया एक्स आई आई ठीक अब इसी तरीके से फोर्टीन देखो फोर्टीन को मैं कैसे लिख सकती हूँ टेन प्लस फोर ठीक है अब देखो टेन का सिंबल क्या था एक्स और फोर का सिंबल आई वी तो क्या बन गया एक्स आई वी इसी तरीके से आप फिफ़्टीन का इसी तरीके से आप सिक्सटीन का सेवनटीन का बना सकते हो अब यहाँ पर जो याद करने वाली बात है वो ये कि देखो आपको 20, 30, 40, 50 अगर ये सब सिंबल सीखने आ गए तो आप आराम से जितनी भी काउंटिंग है उसके अंदर की सब लिख सकते हो देखो कैसे इसको भी सीखते हैं तो देखो 20 तक हमने बनाना सीखा 20 का सिंबल क्या हो जाएगा 20 को मैं लिख सकती हूँ 10 प्लस टेन यानी कि 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ x प्लस एक्स तो ये बन जाएगा एक्स एक्स इसी तरीके से थर्टी को मैं क्या लिख सकती हूं टेन प्लस टेन प्लस टेन तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स तो ये हो गया x x x अब बात आती है फोर्टी की तो देखो फोर्टी में तो मैं सिंबल रिपीट नहीं कर सकती थ्री से ज्यादा बार लेकिन इसको मैं लिख सकती हूँ फिफ्टी माइनस टेन तो बात आती है कि फिफ्टी का सिंबल क्या होता है तो फिफ्टी का सिंबल होता है हमारे पास l और टेन का सिंबल हम सब जानते हैं x तो यहां से क्या बन जाएगा ये बन जाएगा XL क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि जो छोटा सिंबल है अगर उसको माइनस करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है तो इसलिए क्या बन गया ये एक्स एल अब फिफ्टी का सिंबल हम सब जान चुके हैं क्या हो गया एल अब बात करते हैं इसी तरीके से सिक्सटी की तो सिक्सटी का क्या बन जाएगा सिक्सटी का बन जाएगा फिफ्टी प्लस टेन यानी कि एक्स सॉरी एल प्लस एक्स तो ये बन गया एल एक्स अब बात आती है सेवेंटी की तो इसको मैं लिख सकती हूँ फिफ्टी प्लस ट्वेंटी यानी कि एल प्लस एक्स एक्स ट्वेंटी का सिंबल अभी अभी हमने देखा एक्स एक्स तो इस तरीके से ये हो जाएगा एल एक्स एक्स इसी तरीके से इट्टी का एल एक्स 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 अब बात आती है नाइन्टी की तो नाइन्टी को फिर से मैं क्या लिख सकती हूँ हंड्रेड माइनस टेन अब बात आती है आके हंड्रेड का सिंबल क्या है तो हंड्रेड का सिंबल होता है हमारे पास सी तो यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ सी माइनस एक्स अब फिर से वही बात जो छोटा सिंबल है वो लेफ्ट में पहुँच जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस किया है तो ये हो गया एक्स सी अब देखिए हंड्रेड का हम सीख चुके हैं क्या है सी तो वन टेन का मैं क्या लिख सकती हूँ हंड्रेड प्लस टेन यानी कि ये मैं लिख सकती हूँ सी प्लस एक्स आप छोटा सिंबल राइट में तो ये हो गया सी एक्स इसी तरीके से आप सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं आप उनको बना सकते हैं अब जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले टू हंड्रेड का बता दो तो टू हंड्रेड के लिए हम क्या कर सकते हैं सी सी ठीक है डबल सेंचुरी सी से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं हंड्रेड को क्योंकि उसका मतलब होता है सेंचुरी ठीक आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर है चलिए और हायर नंबर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं यहाँ पे इसी तरीके से आप दो रिप्रेजेंटेशन और याद रखिएगा कि जो हमारे पास होता है 500 उसको हम बोलते हैं डी और जो होता है 1000 उसको हम बोलते हैं एम ये दो चीज़ें हम याद रखेंगे ठीक है इसी के बेसिस पे आप 300 आप 400 आप 500, 600 बना सकते हो देखो कैसे अगर आपको 400 बनाना हो तो आप क्या लिख सकते हो 500 हंड्रेड माइनस हंड्रेड फाइव का सिंबल क्या हो गया डी 100 का क्या होता है सी छोटा सिंबल राइट में सी और D, इस तरीके से लिखा जाएगा अब यहाँ पे एक रूल और है जिसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है इसमें आप याद रखिएगा तीन सिंबल्स के बारे में क्या क्या वी एल और डी ध्यान रखिएगा मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो ऐसे कौन से तीन सिंबल हैं जिनको हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते माइनस करने का मतलब है कि जिनको मैं कभी भी माइनस करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं रख सकती ठीक तो ध्यान रखिएगा वो सिंबल हैं वी एल और डी इनको हम कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं रख सकते चलिए इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ अब देखिए अगर आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको थाउजेंड्स के मल्टीपल में कुछ लिखना है थाउजेंड के मल्टीपल में कुछ लिखना है मतलब आपको अगर लिखना है फाइव थाउजेंड आपको अगर लिखना है टेन थाउजेंड तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे थाउजेंड तक तो हमने देख लिया लेकिन अब अगर टू थाउजेंड आ गया थ्री थाउजेंड आ गया तो आप क्या करोगे तो देखो हमें केवल क्या करना होता है जो थाउजेंड का सिंबल होता है ऐसी संख्याओं के लिए हम क्या बना देते हैं उसको हम एक इस तरीके से हॉरिजोंटल डंडे की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं अगर अब मुझे यहाँ पे फाइव थाउजेंड लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी जो मेरे पास वी है फाइव का सिंबल क्या होता है वी तो मैं इस वी के ऊपर क्या लगा दूंगी इस तरीके से एक बार इसी तरीके से जब मुझे टेन थाउजेंड रिप्रजेंट करना होगा तो मैं टेन के ऊपर क्या लगा दूंगी इस तरीके से एक बार इसी तरीके से मान लीजिए अगर मुझे ट्वेंटी थाउजेंड को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा टू एक्स और इन दोनों के ऊपर बार तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है रोमन नंबर के जितने भी रूल थे सब कुछ आपको क्लियर है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आइए स्टूडेंट्स जितना भी अभी तक हमने सीखा उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपको दिया हुआ है सिक्सटी नाइन तो देखो सिक्सटी नाइन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इसको मैं लिख सकती हूँ सिक्सटी प्लस नाइन अब सिक्सटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है हमारे पास एल एक्स और नाइन को रिप्रेजेंट करने का आई एक्स तो ये हो जाएगा एल एक्स आई एक्स इसी तरीके से देखिए नाइन्टी एट को मैं लिख सकती हूँ नाइन्टी प्लस एट अब नाइन्टी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता था हमारे पास एक्स सी और एट को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से तो ये हो गया एक्स सी वी आई आई अब देखो फोर्टी नाइन तो फोर्टी को इसको मैं लिख सकती हूँ फोर्टी प्लस नाइन तो फोर्टी को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक्स एल और इसको होता था आई एक्स तो ये हो गया एक्स एल आई एक्स थ्री 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 अब देखो इसको कैसे लिखेंगे इसको मैं लिख सकती हूँ थ्री हंड्रेड प्लस थर्टी प्लस थ्री ठीक ध्यान से थ्री हंड्रेड को मैं क्या लिख सकती हूँ सी 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 थर्टी को मैं क्या लिख सकती हूँ एक्स 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 और थ्री को वन 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 यानी कि आई 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 तो ये बन गया सी 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 एक्स 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 आई 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 तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई होप चीज़ें क्लियर होंगी स्टिल आकर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जहां आप चाहें हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है प्लेस वैल्यू यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्थानीय है मान देखो स्टूडेंट्स इसको हमें एग्जाम्पल की आपसे समझते हैं सीधा सीधा जैसे कि मान लो एक नंबर मैंने लिखा हुआ है फोर थ्री वन टू नाइन ज़ीरो एक ही नंबर ये लिखा हुआ है एक नंबर मैंने लिखा हुआ है फोर्टी थ्री ठीक है अब देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो दोनों ही जगह पे ये जो थ्री और ये थ्री है ये तो सेम ही रहा मैंने इसमें चेंज नहीं करा लेकिन बात आती है कि इन दोनों नंबर नंबर्स में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं या इन दोनों नंबर में थ्री की पोजीशन की जब डिफरेंस की बात करती हूं तो उसी को बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू जैसे कि आपने देखा हो मान लो जैसे कि हीरा है ठीक है अगर वो खान में पड़ा हुआ है तो वो तो एक तरह से मिट्टी है बेकार है लेकिन जब वो हीरा मान लो जो हमारी अभी मिस यूनिवर्स बनी है उनके क्राउन में लग जाए तो उस हीरे की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी ठीक बिल्कुल उसी तरीके से बात है कि जब ये थ्री यहाँ पे है तो इसका जो स्थानीय इस मान है इसकी जो वैल्यू है वो अलग है लेकिन जब ये थ्री यहाँ पहुँच गया तो जो इसकी वैल्यू बनी वो अलग बनी अब इस वैल्यू को निकालते कैसे हैं तो हमने बचपन में ज़रूर सुना होगा इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार दस लाख दस लाख तो बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे इनका स्थानीय मान निकाल सकते हैं देखिए कैसे यहाँ से शुरू करेंगे तो ये होता है इकाई फिर धाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार और लाख हो सकता है आपको ये दिखना रहा हो मैं इसको बड़ा बड़ा इंग्लिश में करके लिख देती हूँ वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और ये होता है लैख ठीक इसी तरीके से इसमें वंस और टेंस अब देखो कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू तो यहाँ पे अगर मुझे थ्री के प्लेस वैल्यू की बात होती तो मैं कैसे निकालती थ्री लिखती पहले अब क्योंकि यहाँ पे दस हज़ार है ठीक है इसके आगे कितने डिजिट हैं चार तो मैं इसके आगे लगा देती चार जीरो लेकिन अगर मुझे थ्री की वैल्यू यहाँ निकालनी होती तो थ्री के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है इसलिए मैं क्या लिख देती यहाँ पर थ्री और देख लेते हैं मान लो कि अगर मुझे इसमें टू का निकालना होता तो मैं कैसे निकालती टू लिखती इसके बाद कितनी डिजिट है दो तो यहाँ पे भी मैं दो ज़ीरो लगा देती बिल्कुल सिंपल बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है हम सब ने क्लासेस में बचपन में सीखा था हो सकता है हम भूल गए तो आज हमें याद आ गया होगा कि स्थानीय मान प्लेस वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं ठीक है और एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लीजिए आपसे बोल दिया गया फाइव थ्री टू ज़ीरो वन नाइन सिक्स ठीक है इस तरीके से आपको एक नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हर नंबर का आप स्थानीय मान निकाल दो तो कैसे निकालोगे देखो सबसे पहले इसका निकालते हैं तो कितना हो जाएगा फाइव एक दो तीन चार पाँच छः तो एक दो तीन या चलो इधर से निकालना शुरू कर देते हैं जल्दी निकल जाएगा तो इसका हो जाएगा सिक्स इसका हो जाएगा नाइन्टी इसका हो जाएगा वन जीरो ज़ीरो अब ज़ीरो का तो कहीं पे भी आ जाए वो ज़ीरो ही रहेगा तो ये हो जाएगा टू एक दो तीन चार इसके बाद थ्री एक दो तीन चार पाँच ठीक अब देखो फाइव तो एक दो तीन चार पाँच छः बस आपको क्या करना है वो नंबर कॉपी करना है और उसके पहले जितनी भी संख्या है उतनी जीरो आपको लगा देनी है वो आपका आ जाएगा स्थानीय मान आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी तो ये था आपका संख्या का पहला चैप्टर जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छी भी लगी लग होंगी तो अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम देखेंगे नंबर्स के ऊपर ऊपर हम ऑपरेशन किस तरीके से लगा सकते हैं